मशहूर एक्ट्रेस संभावना शेठ की जिंदगी में काफी कुछ टाइम से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक्ट्रेस पर इस समय दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। संभावना ने बीमारी की लहर के बीच पिछले ही दिनों अपने पिता को खो दिया। एक्ट्रेस अभी पिता को खोने के गम से उभरने की कोशिश ही कर रही थी कि अब उसकी सामने माँ की स्थिति भी खराब होने लगी है। संभावना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया जिसे देख अब दिल टूटने लगा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस की बीमार माँ बिस्तर पर लेटी हुई तड़प रही है, इलाज के लिए गिड़गिड़ा रही है और उनकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। संभावना की मां को देखकर लोगों के तो आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। जिस तरह से उनकी हालत दिख रही है उससे लग रहा है कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है। वही संभावना उनके पास बैठकर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही हैं और मां को किस कर रही हैं। एक्ट्रेस की मां की ऐसी हालत देखकर अब यूजर्स भी भावुक होने लगे हैं। संभावना ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इनके साथ कैप्शन में लिखा, दोस्तों मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं जिंदगी की भावुक करने वाली स्थिति का सामना कर रही हूँ। मैंने पहले अपने पिता को खो दिया और किस तरह से मेरे पिता मुझे छोड़कर गए हैं वो आप सब लोग जानते हैं। हॉस्पिटल ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे पिता को खा लिया और अब मेरी माँ की ये हालत देखकर मैं भी मरती जा रही हूँ। मैं खुद को मजबूत बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन पता नहीं कब तक मैं कब तक अपने आप को संभालती रहूंगी। मैं एक तरह से जिंदा मिट्टी की तरह घूम रही हूँ। मैंने अपने पापा को खोया और अब मैं अपनी माँ से भी दूर होती जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जीऊँ या फिर मर जाऊँ। इन दो सालों में एक्ट्रेस संभावना शेट्टी की दुनिया ही उजड़ गई। उनकी जिंदगी में ऐसी तबाही मची कि वो अभी तक चैन की सांस नहीं ले पा रही है और लगातार वो अनहोनी के डर से कांप रही है। यूं कहें कि दो साल से वो अस्पताल के चक्कर लगा रही थी और अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके साथ ऐसी हैवानियत की कि आप सब जानकर चौंक जाएंगे और एक बार तो आपको भी हॉस्पिटल जाने से डर लगेगा। हालांकि कोई भी हॉस्पिटल शौक में नहीं जाता है लेकिन जब मजबूरी ज्यादा बढ़ जाती है तो हॉस्पिटल ही एकमात्र सहारा दिखता है। लेकिन अब ये सहारा भी लोगों की मौत बनता जा रहा है। एक्ट्रेस संभावना सेठ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने पिता को डॉक्टर की लापरवाही के चलते खो दिया था। उन्होंने साफ खुलासा भी कर दिया और केस भी दर्ज करा दिया कि कैसे उनके पापा ठीक हो गए थे और कैसे डॉक्टरों ने उन्हें कमरे में जबरदस्ती बांध कर रखा था, उनकी सांसें छीन ली। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पापा सही हो सकते थे लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें निकलने ही नहीं दिया। जैसे संभावना को अपने पिता के लिए चीखना पड़ा, लड़ना पड़ा, रोना पड़ा, वैसे ही साल भर पहले संभावना के लिए उनके पति रो रहे थे, चीख रहे थे। जी हाँ, संभावना अपने पिता के आगे अपना दुख तो भूल ही गई थी। संभावना भूल गई थी कि वो भी मौत के मुंह से वापस लौटी हैं। जी हाँ, संभावना की भी ऐसी हालत हो गई थी कि उन्हें बचाना मुश्किल हो गया था लेकिन उनके पति ने हार नहीं मानी, उन्हें ठीक करवा के ही वो माने। पत्नी संभावना के लिए पति ने जो किया वो सुनकर आप सब भावुक हो जाएंगे। जैसे संभावना के पति ने बताया कि संभावना की तबीयत लॉकडाउन से पहले ही खराब थी। वो कई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक वो कई हॉस्पिटल में भी गए लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी ताकि संभावना का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीमारी के कारण उन्हें किसी भी अस्पताल या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने संभावना को वही दवा दी जो उनकी चल रही थी, जो पहले से ट्रीटमेंट हो रहा था। इससे उन्हें थोड़ा आराम तो जरूर मिला लेकिन बाद में धीरे धीरे संभावना का एक कान बंद होने लगा, उन्हें लगातार चक्कर आने लगे। जी हाँ, संभावना को ना जाने डॉक्टर ने जल्दबाजी में कैसी दवा दे दी कि उनके कानों को रिएक्शन होने लगा, वो सुनने की क्षमता खोने लगी थी। इससे पहले बड़ा नुकसान होता, पति अविनाश उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर भागे थे। संभावना के पति अविनाश बताते कि पिछले साल 4 मई की रात संभावना की तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने कई हॉस्पिटल में फोन लगाया, कईयों ने तो फोन नहीं उठाया और कईयों ने लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल बंद होने की बात कही। इसके बाद अविनाश संभावना को लेकर घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी से कई हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जो ओपन थे, लेकिन किसी ने भी हॉस्पिटल में संभावना को भर्ती नहीं किया और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार संभावना को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सिर्फ 2 मिनट डॉक्टरों ने देखा और उन्हें जाने को कहा और संभावना का ट्रीटमेंट सही से हो भी नहीं पाया था। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप सुबह ओपीडी में आकर डॉक्टरों को दिखाएं। अविनाश बताते हैं कि वो रात बहुत कठिन थी, जब वो सभी जगह से हार गए थे उन्हें सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी, तो संभावना को लेकर घर आ गए।
फिर दूसरे दिन एक डॉक्टर संभावना को देखने के लिए तैयार हो गए और फिर उसी डॉक्टर ने संभावना का इलाज चलाया। अभी उनकी तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन अभी भी संभावना को लेकर उनके पति डरते हैं। आखिर में अविनाश कहते कि उनके पास सारी सुविधा होने के बावजूद उन्हें इतनी परेशानी हुई, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों के साथ क्या गुजर रहा होगा जिनके पास पैसों की दिक्कत है और खुद की गाड़ी भी नहीं है। वो कहते हैं लॉकडाउन के दौरान पिज्जा बॉय जब घर आ सकता है तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं आ सकते। आप भी संभावना उनके पति को लेकर अपनी राय जरूर दें। कौन बेटी अपने पिता को बंद कमरे में बंधा देख पाएगी? कौन बेटा अपने पिता को ऑक्सीजन के लिए तड़पता देख पाएगा? यकीनन हमारा ये आपका किसी का भी खून खोल सकता है। यही सब एक्टर संभावना शेट के साथ हुआ, जो अभी भी अपने पापा की ऐसी मौत पर शांत नहीं बैठ रही हैं। उन्होंने अस्पताल की असलियत खोल कर रख दी, कैसे अस्पताल के स्टाफ ने उनके पापा को ऑक्सीजन सपोर्ट पर हाथ पैर बांध कर रख दिए थे और घर वालों को बोल दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, जबकि अस्पताल चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए एक्ट्रेस के पापा की जिंदगी छीनने की पूरी तैयारी कर रहा था। 8 मई को संभावना ने अपने पापा को खो दिया। संभावना के पिता का इलाज दिल्ली में चल रहा था। पिता के निधन के बाद उन्होंने उनकी मौत का जिम्मेदार हॉस्पिटल को ठहराया था। अब संभावना ने हॉस्पिटल को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल के खिलाफ गैर लापरवाही जैसे कई आरोप लगाए हैं। संभावना सेठ का कहना है कि उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है और वो कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगी। संभावना ने बताया कि 30 अप्रैल को पापा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल स्टाफ ने ब्लड टेस्ट किए और हमें कहा गया कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पापा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद हमें लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, हमें लगा कि हमने पापा को सुरक्षित हाथों में दिया है, लेकिन हम भूल गए थे कि हमने जल्लादों के हाथों में अपने पापा को सौंप दिया था। संभावना ने बताया कि और अगले ही दिन जब मेरा भाई पापा के पास गया तो वो वहाँ का कारनामा देख कर बेहोश हो गया। भाई ने देखा कि उसके पापा के हाथ पैर बंधे हैं और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर लेटे हैं और उसने तुरंत अपने पापा के हाथ पैर खोले। 7 मई को मेरे भाई ने घबराते हुए मुझे फोन किया और बताया कि पापा को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से 95 के बीच है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है और अगले ही दिन दिल्ली के लिए मैं निकल गई। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं हॉस्पिटल गई तो मैं भी देखकर हैरान हो गई, मैं भी वहां बहुत रोने लगी। मेरे पापा ऐसी हालत में थे, बिस्तर पर बंधे हुए पड़े थे। संभावना ने बताया कि मेरे पापा की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी। मैं ये सब कमियां देखकर शॉक रह गई। मैंने उस मुद्दे को उजागर करने के लिए वीडियो शूट किया, लेकिन स्टाफ ने मुझसे बहस की और उसे हटाने की पूरी कोशिश की, दबाव डाला। उन दिनों को याद करते उन्होंने आगे कहा कि पापा की हालत देखकर मैं अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। आखिरकार एक डॉक्टर ने मुझे मेरे पापा के सेहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुझे बता दिया कि उनकी हालत में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आ गई कि तुम्हारे पापा को अटैक पड़ा है। मैं पापा को देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। कोई मेरे पापा से मुझे मिलने नहीं दे रहा था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई और उनके पापा का निधन हो गया।